हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहचान एक सफल और प्रभावी साहित्यकार, लेखक, निबंधकार और समीक्षक के रूप में सर्वमान्य है। वे हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ रहे हैं। सच तो यह है कि हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही प्रारंभ हुआ है। हिंदी के प्रख्यात भक्त कवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और प्रेम मार्गी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य पर जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, वैसी आलोचनाएं अभी तक देखने में नहीं आई हैं। निबंध लेखन के क्षेत्र में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। एक श्रेष्ठ और मौलिक निबंधकार के रूप में आपकी पहचान सर्वविदित है। हिंदी में गद्य शैली के सर्वश्रेष्ठ प्रस्थापकों में आप सर्वोपरि हैं। आपने अपने दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस आदि की पुनर्व्याख्या की है। साथ ही विभिन्न भावों की व्याख्या में आपका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण प्रचुरता से परिलक्षित होता है। इसी तरह हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय भी आपको ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक निबंधों की रचना की है। मनोविकार और भावपूर्ण निबंधों की श्रृंखला में करुणा नामक आपके निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार एवं समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 4 अक्टूबर सन 1884 में हुआ था। आपके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सदर कानूनगो के रूप में मिर्जापुर में होने से आप उनके साथ मिर्जापुर आ गए। 9 की उम्र में मां की मृत्यु होने के पश्चात आपकी विमाता के व्यवहार ने अल्पायु में ही आपको परिपक्व मानसिकता का बना दिया। घर में पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था, हालांकि आप कुशाग्र बुद्धि के थे। आपके पिताजी चाहते थे कि आप उर्दू और अंग्रेजी पढ़ें, किंतु पिताजी की आंख बचाकर आप हिंदी भी पढ़ते रहे। किसी तरह आपने एंट्रेंस और एफए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। पिताजी चाहते थे कि आप कचहरी में दफ्तर का काम सीखें, वकालत की परीक्षा देकर वकालत करें, किंतु इन सब में आपकी रुचि नहीं थी। इन सब के बीच समानांतर रूप से आप साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। मिर्जापुर में ही आपका संपर्क पंडित केदारनाथ पाठक और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से हुआ और आप साहित्य से जुड़े। यहीं पर आपने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया, जिसका उपयोग आपने आगे चलकर किया। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको इलाहाबाद भेजा गया, किंतु आपकी रुचि साहित्य में थी। नायब तहसीलदारी भी अपनी स्वाभिमानी प्रकृति होने से आप नहीं कर सके। बाद में आप कुछ दिनों के लिए मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। बाद में काशी आने पर हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक संपादक बने। यहीं आपने नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कोष का कार्य समाप्त होने के पश्चात आपकी नियुक्ति काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हुई। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्राध्यापक बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद आप वहां हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने और इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी सन 1941 में हृदय गति रुकने से आपकी मृत्यु हो गई।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को काव्य में रहस्यवाद निबंध पर हिंदुस्तानी अकादमी से तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षों वाला है। अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में आपने अनेक लेख लिखे हैं और उसके पश्चात गंभीर निबंधों का प्रणयन किया है। प्रारंभ में आपने कुछ कविताएं भी लिखी थी। सामान्यतः आपकी मौलिक कृतियां तीन प्रकार की परिलक्षित होती हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास, तुलसीदास और सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी पर महत्वपूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विभिन्न रूप और रस मीमांसा आदि आपके अन्य महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध हैं। निबंधात्मक ग्रंथ। आचार्य शुक्ल ने अनेक निबंध लिखे हैं जो चिंतामणि के भाग एक, दो और तीन में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं जिनमें मित्रता और अध्ययन आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ। आपका अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदेय हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो आज भी अपनी अनूठी शोधपरक दृष्टि के कारण उल्लेखनीय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त आपने कुछ बंगला और अंग्रेजी की रचनाओं का अनुवाद भी किया था। इनमें बंगला से अनुदित शशांक उपन्यास तथा अंग्रेजी से अनुदित विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन तथा कल्पना का आनंद विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ विशिष्ट कृतियों का सफलतापूर्वक संपादन भी किया है। इनमें प्रमुख हैं हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीतसार, सुर ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली और वीर सिंह देवचरित आदि। इसके अतिरिक्त आपने बाबू राधाकृष्ण दास का चरित भी लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ सृजनात्मक गद्य रचनाएं भी हैं जो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी किंतु अभी उपलब्ध नहीं है। इनमें प्रमुख हैं हास्य विनोद प्रहसन, पृथ्वीराज नाटक, संयोगिता स्वयंवर और 11 वर्ष का समय आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। इन निबंधों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध। आचार्य शुक्ल ने कुछ ऐसे निबंध लिखे हैं जिनमें साहित्य के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। इन निबंधों में चिंतामणि में संकलित कुछ निबंध विशेष महत्वपूर्ण हैं। कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा तथा काव्य में रहस्यवाद आदि। इन निबंधों की विशेषता यह है कि इनमें आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषणा की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास भी कुछ इसी तरह की रचना थी जिसमें अन्वेषण एवं शोधपरक दृष्टि का परिचय मिलता है। व्यावहारिक आलोचनात्मक निबंध। आचार्य शुक्ल ने कुछ ऐसे आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं जो अति साहित्यिक न होते हुए व्यावहारिक हैं। इन निबंधों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि आदि। मनोवैज्ञानिक निबंध। आचार्य शुक्ल ने कुछ मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं
जो मानव मन के मनोविकारों और भावों से संबंधित हैं। इन निबंधों में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति और उत्साह आदि भावों और मनोविकारों को आधार बनाया गया है। इन निबंधों की विशेषता यह है कि ये निबंध सर्वथा मौलिक हैं। जितनी परिपक्वता और प्रवणता के साथ आचार्य शुक्ल ने इन्हें लिखा है, उतने अधिकार और प्रवणता के साथ परवर्ती अन्य साहित्यकारों ने इन विषयों पर नहीं लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में वर्ण विषय के प्रति उनकी अभिरुचि, उनकी स्पष्ट विचारधारा तथा उनके विस्तृत अध्ययन का समावेश हुआ है। वे साहित्य में लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में भाषा के विविध रूप दिखलाई देते हैं। मूलतः आपकी भाषा में खड़ी बोली के दो रूप परिलक्षित होते हैं, क्लिष्ट और जटिल। आपके निबंधों में जब गंभीर विषयों का वर्णन होता है अथवा जब आप आलोचनात्मक निबंध लिखते हैं, तब उन निबंधों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्लिष्ट हो जाती है। इसका मूल एवं प्रमुख कारण विषय की गंभीरता है, किंतु इस पर भी इनकी विशेषता यह है कि इसमें प्रयुक्त भाव बहुत स्पष्ट होते हैं। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि तत्सम शब्दों की अधिकता होने के अनंतर भाषा के प्रयुक्त करने में आपने बहुत संयम और शक्ति का परिचय दिया है। इस कथन की पुष्टि के लिए करुणा नामक निबंध का यह उदाहरण दृष्टव्य है। यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विकशील ही होता है। अतः करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। सरल और व्यावहारिक, आचार्य शुक्ल ने अपने मनोवैज्ञानिक निबंधों में हिंदी के बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। उल्लेखनीय बात तो यह है कि उन्होंने व्यावहारिकता और स्वाभाविकता लाने के लिए कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के अति प्रचलित शब्दों का परहेज भी नहीं किया है। इसके साथ ही निबंध में वर्णित भावों की अभिव्यंजना के लिए और उन भावों को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए तड़क भड़क तथा अटकल पच्चू जैसे ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया है। आचार्य शुक्ल के निबंधों में मुहावरों और कहावतों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। जैसे, नौ दिन चले अढ़ाई कोस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पेट फूलना, कांटों पर चलना आदि। आचार्य शुक्ल का अपने निबंधों में प्रयुक्त की गई भाषा पर पूर्ण अधिकार था। आपकी भाषा अत्यंत संभ्रांत, परिमार्जित, प्रौढ़ तथा व्याकरण निर्दोष थी। उसमें रंच मात्र के लिए भी शिथिलता नहीं थी। उन निबंधों में प्रयुक्त किए गए शब्द मोतियों की भांति वाक्यों के सूत्र में गुथे हुए प्रतीत होते थे। उनमें एक शब्द भी निरर्थक नहीं होता था तथा प्रत्येक शब्द का अपना पूर्ण महत्व होता था। उदाहरण के लिए करुणा नामक निबंध का यह अंश दृष्टव्य है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में प्रयुक्त शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। उनके निबंधों का प्रत्येक वाक्य यह कहते हुए प्रतीत होता है कि वह शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल के निबंधों की शैली सामान्यतः मौलिक और प्रौढ़ है। वह एक तरह से गागर में सागर वाली उक्ति को चरितार्थ करती है।
उनके निबंधों की शैली के प्रायः तीन रूप परिलक्षित होते हैं, आलोचनात्मक शैली। आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। इस शैली की भाषा गंभीर है, इसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है, वाक्य छोटे, संयत और मार्मिक हैं, इन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। गवेषणात्मक शैली, आचार्य शुक्ल ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना इस शैली में की है। यह शैली अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और दुरूह है, इसमें प्रयुक्त भाषा क्लिष्ट होती है, वाक्य बड़े होते हैं तथा इसमें मुहावरों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। करुणा की निम्नांकित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। दूसरों के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण के द्वारा दूसरों के संभव दुख का ध्यान या अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरों को दुख पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। भावात्मक शैली, इस शैली में आचार्य शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं। इन निबंधों को पढ़ते समय हमें ऐसा आभास होता है जैसे हम गद्य काव्य का आनंद ले रहे हों। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते समय आपका आलोचक हृदय कवि की भांति गदगद हो जाता है और आपके कलम से कविता बहने लगती है। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंगदेश के मधुसूदन दत्त और हेमचंद्र की श्रेणी में, एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए भक्तमाला गुत्ते दिखाई देते थे, दूसरी ओर टीकाधारी बगुला भक्तों की हंसी उड़ाते तथा स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। इसमें प्रयुक्त भाषा व्यावहारिक होती है तथा वाक्य छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। इन निबंधों में कुछ वाक्य सूक्ति रूप या सूत्रबद्ध होते हैं जो कम शब्दों में अधिक भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैं। जैसे क्रोध निबंध का यह पहला वाक्य बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इन शैलियों के अतिरिक्त आचार्य शुक्ल के निबंधों में कुछ अन्य शैलियों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे निगमन पद्धति, व्यास शैली, समास शैली। इसके अतिरिक्त कुछ निबंधों में अलंकार योजना का बहुत सुंदर समावेश हुआ है, कहीं तुकदार शब्द, कहीं हास्य व्यंग और कहीं मूर्तिमत्ता का अप्रतिम समन्वय हुआ है। जयसी का विरह वर्णन पर विचार करते समय उन्होंने लिखा, एक कवि जी ने लिखा है, काजर दे नहीं ऐसी सुहागिनी, आंगूरी तेरी कटेगी कटाक्षन। यदि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है तब तो तरकारी चीरने या फल काटने के लिए छुरी, हंसिया आदि की कोई जरूरत ना होनी चाहिए। इसी प्रकार बिहारी के विरह वर्णन का उपहास करते हुए वे लिखते हैं, बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हुई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से चार कदम पीछे हट जाती है और जब सांस निकलती है तब उसके साथ चार कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। सूरदास, तुलसीदास और जायसी जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचना आपने की है, वैसी अभी तक किसी अन्य आलोचक ने नहीं की है। हिंदी में गद्य शैली की स्थापना में आपका स्थान सर्वोपरि है। आपने अपने दृष्टिकोण से अपने वर्ण विषय में विभिन्न भावों की जिस प्रकार व्याख्या की है उसमें आपका पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण कदम कदम पर दिखलाई देता है। सच तो यह है कि हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना को परिचय और सामान्य विवेचन के धरातल से ऊपर उठाकर
गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय आपको ही जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विषय प्रधान भी हैं और व्यक्ति प्रधान भी। आपके निबंध आत्मव्यंजक अथवा भावात्मक नहीं हैं। यह बात अलग है कि कुछ निबंधों में बीच बीच में आत्मपरक अंश आ गए हैं, परंतु इन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता। आपके निबंध अत्यंत गहरे रूप में बौद्धिक एवं विषयनिष्ठ हैं। आपके निबंधों में जो गंभीरता, विवेचन में जो पांडित्य एवं तार्किकता तथा शैली में जो कसाव मिलता है, वह अप्रतिम है। आज भी आचार्य शुक्ल की यह निबंध परंपरा हिंदी में गतिमान है। आचार्य शुक्ल के निबंध मनोविकार, सैद्धांतिक समीक्षा एवं व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित होते हुए भी आंतरिक संबंध सूत्र में बंधे हुए हैं। साहित्यिक इतिहास लेखक के रूप में आचार्य शुक्ल का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण है। निबंधकार के रूप में वे किसी भी राष्ट्र की किसी भी भाषा के लिए गर्व के विषय हो सकते हैं। और रही बात उनके समीक्षक व्यक्तित्व की, तो इस रूप में वे हिंदी साहित्य में अप्रतिम हैं अभी तक। आचार्य शुक्ल प्रेरणास्पद एवं वंदनीय हैं सदैव के लिए।